आज हम केवल टमाटर की सब्जी बनाएंगे, इसे आप चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची ज़्यादा ली है, लहसुन, आप इस सब्ज़ी को मिर्ची टमाटर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने हरी मिर्ची ज़्यादा ली है। ये देखिए, टमाटर के हमें मीडियम साइज़ के पीस बनाने हैं, इससे बड़े तो बनाने ही हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाएं और इससे बड़े नहीं बनाएं। हरी मिर्ची के भी टुकड़े करने हैं, लहसुन के भी टुकड़े ही करने हैं। टमाटर आप एकदम लाल कलर के लें और ये कड़क होने चाहिए, गीले गीले टमाटर नहीं लें, पुराने टमाटर नहीं लें। ये सब्ज़ी हम कम तेल में बनाएंगे, ये हेल्दी भी हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम रखा है। गरम तेल में डालेंगे 1 चुटकी हींग, राई, गैस को स्लो कर दीजिए ताकि जीरा जले नहीं, जीरा। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, लहसुन हल्की फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए, लहसुन का हल्का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक, फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्ची भी फ्राई हो गई है, तो टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, फिर से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी बनाते समय ध्यान रहे, ये टमाटर गलने नहीं चाहिए, कड़क कड़क ही इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। टमाटर की सब्ज़ी का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसे आप किसी भी वैरायटी की चपाती के साथ खाएं, ये गेहूं की चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है।